ये जो सफेद सी आपको चादर सी दिख रही है ना, ये बादल नहीं है ना ही धुआं है, ये असल में किलर डस्ट है। वो जो सफेद सी चादर सी दिख रही है पहाड़ के बिल्कुल नीचे, ये किलर डस्ट है क्रशर की। ये इतनी लंबी पूरी लेयर सी बनी हुई है, पूरे गांव की तरफ जाती है। किलर डस्ट है, क्यों कहते हैं इसको किलर डस्ट, क्योंकि जब ये इंसान या जानवर के सांस के द्वारा अंदर चली जाती है तो फेफड़ों में से कभी नहीं निकलती, अंदर ही जम जाती है। लेकिन हिमाचल में, खास करके हमारे गांव में, ओयल में ये रोज की प्रक्रिया है। जनता इतनी अवेयर भी नहीं है, और जनता अवेयर नहीं होगी तो नेता और राजनीतिक पार्टियां और सरकारें कुछ नहीं करती। ये देखिए, ये जो धूल उड़ रही है ना, धूल आपको दिख रही है, ये सब किलर डस्ट है। ये बादल की तरह दिख रही होगी बिल्कुल थोड़ी सी, ये जो आपको दिख रही है ना आग जैसे लगी हुई धूल है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये जो इंसान के सांस में जब धूल चली जाती है तो ये किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलती, फेफड़े खराब कर देती है, लेकिन ये रूटीन है। अच्छा, ये धूल चली हुई है, ये देखिए हमारे लोगों की ही यहाँ पे ये झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, इन सबको नुकसान है, लेकिन ना तो इन लोगों को इतनी फिक्र रहती है ना ही सरकार को। सरकारें तो खैर चिंता क्यों करेंगी जब तक जनता अवेयर नहीं होगी। ये रोज का है, और आप इमेजिन करिए इतनी धूल छोटे बच्चों के फेफड़ों में रोज जली जाती है तो उनको कितना नुकसान होता होगा। ये हाँ, ये सारी धूल नुकसानदायक है, पता है आपको, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत नुकसानदायक है। तो फिर आप कभी बोलते क्यों नहीं? मानते हैं, कोई नहीं मानता। देखो ना, यहाँ पे आप रहते हैं और इतनी धूल है, पत्थरों की धूल तो बहुत खतरनाक है। ये मानता नहीं, सारे आने का कोई मानता ही नहीं है। प्रेशर, जो क्रेशर वाले हैं वो भी नहीं मानते, बच्चे भी नहीं मानते। मानते हैं प्रेशर, क्रेशर वाले तो कमाई के लिए है, उनको तो कोई मतलब नहीं किसी के स्वास्थ्य से।